हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ट्रेडिंग फैब का क्विकली इंट्रो दे देते हैं। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है या फिर एंजल ब्रोकिंग है। ये चारों भी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है, टॉप मोस्ट ब्रोकरेज फर्म्स है इंडिया के, और इसका ऑथराइज पार्टनर है ट्रेडिंग फैब। एक मेगा ऑफर है सबके लिए, अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है, इक्विटी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस, इसका मेंबरशिप आपको फ्री में मिल सकता है। और एक ऑफर है जो हमारा बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, उसके लिए भी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये हर कोई कोर्स कर सकता है जो फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है, जो और अपना स्टडी इम्प्रूव करना चाहता है, सबके लिए है। तो ये एक मेगा ऑफर है सभी के लिए। तो ये था ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट यहाँ से आपको क्लिक करना है अप्लाई हियर के ऊपर, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है, तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सभी ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। तो अकाउंट होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके और आपको प्रीमियम इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो आप इन चारों में से कोई भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यह था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में छोटा सा इंट्रो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 22 सितंबर 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:33 हो रहे। कल जबरदस्त फॉल देखने को मिला, हफ्ते के पहले ही दिन ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। एक न्यूज ग्लोबल मार्केट में आ रही थी, वर्ल्ड का बिगेस्ट बैंक जो है HSBC, उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि क्रिमिनल्स को हेल्प करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। तो इसके मद्देनजर काफी बड़ा बैंक है HSBC, जो दिल्ली की इस वक्त की गवर्नमेंट है, उसने भी 2-3 साल पहले इस बैंक के बारे में कुछ सवाल उठाए थे। लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट में भी इस बैंक के कारण एक गिरावट, एक कमजोरी हमें देखने को मिली कल। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। यह कल का पिक्चर है, यानी 21 सितंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,465 और ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,540। तो निफ्टी ओपन होने के बाद काफी देर तक, ऑलमोस्ट 12 बजे तक इस रेंज के बीच में ही ट्रेड हो रहा था। एक साइडवेज पैटर्न था, ये साइडवेज पैटर्न था क्लियरली। और जब भी इसने टूवर्ड साउथ की तरफ आने की कोशिश की तो ब्रेकडाउन लेवल के पास एग्जैक्ट इसने पहले तो एक सपोर्ट टेस्ट करने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही ये ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ तो 11,446 और सेकेंड टारगेट 11,428 ये यहाँ पर अचीव हुआ। और ये भी लेवल ब्रेक होने के बाद एक जबरदस्त यहाँ हमें गिरावट देखने को मिली। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक शुरू में तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली, बाद में संभल कर सिर्फ हल्की सी कमजोरी के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो कल वहाँ पर भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। एशियाई बाजार आज जब खुले तो SGX निफ्टी 21 पॉइंट की इस समय एक बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है, हल्की सी बढ़त है लेकिन कमजोरी है अभी तक वहां पर देखने को मिल सकती है। जापानीज इंडेक्स आज भी बंद है, वहां पर छुट्टी है, और लगभग बाकी के सभी एशियाई बाजार इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को भी देखें तो हल्की सी गिरावट इस समय भी देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़े से कमजोरी के माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलते हैं चार्ट के ऊपर, एक बार मंथली चार्ट से शुरू करते हैं। ये मंथली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। अगर आप ये जो कैंडल देखें, लॉन्ग बियरिश कैंडल, इसका जो हाई है इसके ऊपर अभी तक ये क्लोज नहीं हो पाया। लास्ट मंथ भी जस्ट ये जो कैंडल है रेड कैंडल, उसके जस्ट नीचे आकर, हाई के नीचे आकर ये क्लोज हुआ है लास्ट मंथ।
यानी अगस्त में, और अभी भी फिर से एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस कर रहा है। यहाँ पर कोरोना वायरस का न्यूज था, दुनिया भर में लॉकडाउन शुरू हो गया था और यहाँ से एक जबरदस्त ये रेड कैंडल बनी। अभी फिर इसी लेवल के पास जब ये आया है तो यहाँ पर ये हर्डल फेस कर रहा है। अगर नीचे आएगा तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे 20 EMA को कैसे इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है, तो अभी फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर एज पर मंथली चार्ट, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो 20 EMA अराउंड 10,900 के पास है ये फर्स्ट सपोर्ट होगा। अगर निफ्टी यहाँ से और करेक्शन दिखाता है तो फर्स्ट सपोर्ट 10,900 के पास होगा। ऊपर जाने के लिए इसको ये जो कैंडल है रेड कैंडल का हाई, इसके ऊपर इसको क्लोज देना काफ़ी ज़रूरी है। तो मंथली चार्ट का ये सीनारियो है। फिलहाल वीकली चार्ट में चलते हैं। वीकली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची, ये जो हाई स्विंग हाई लो है इसको पकड़ के हमने ये ड्रॉ किया था। एक और लेवल यहाँ पर ऐड कर देते हैं 123.6। तो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लेके ये फिर से नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर, और ये जो लेवल है 11,200 यहाँ पर ये हो सकता है सपोर्ट टेस्ट करे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसने पहले रेजिस्टेंस का काम किया था, उसके बाद में अभी कुछ दिनों पहले लास्ट के लास्ट वीक यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक होने की कोशिश की थी। 11,200 एज पर वीकली चार्ट सपोर्ट है, और उसके बाद यहाँ पर ये 20 EMA और ये जो मूविंग एवरेज है इसका क्लस्टर यहाँ पर है, गोल्डन क्रॉस ओवर, यहाँ पर फिर से एक बार अपसाइड स्ट्रक्चर का माहौल बन रहा है। तो 20 EMA ये अराउंड अभी यहाँ पर 10,940 के पास है। तो जैसे हमने मंथली चार्ट में देखा 10,900 के पास 20 EMA था, तो अराउंड 10,900 के पास नेक्स्ट सपोर्ट है अगर 11,200 को ब्रेक करता है तो। और एक है बात वीकली चार्ट में, अगर हम RSI को देखें तो RSI ने जैसे कि हम जब अप ट्रेंड आता है तभी ये इस तरह का राइजिंग बॉटम्स बन जाते हैं RSI में। ये W पैटर्न भी इसे कहा जाता है, राइजिंग बॉटम्स भी इसे कहा जाता है। तो जब ये अप ट्रेंड आता है तभी ऐसा पैटर्न बनता है, और जब इसके उल्टा यानी डाउन ट्रेंड आता है तभी RSI में ऐसे लोअर हाइज बनते हैं, और M फॉर्मेशन यानी ये जो राइजिंग बॉटम्स की हम बात कर रहे थे यहाँ पर लोअर हाइज बनते हैं इस तरह से। तो अभी RSI को देखें तो फिर से यहाँ पर एक बार लोअर हाइज बन के इसने M फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाया। अगर हम कुछ दिनों पहले जाए तो यहाँ पर आप देख सकते इस जगह पर भी इसने M फॉर्मेशन बनाया था, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक फॉल देखने को मिला और 100 EMA का सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ। तो अभी फिर से यहाँ पर ये M फॉर्मेशन है यानी लोअर हाइज यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। हो सकता है अगर 11,200 का ये ब्रेक करे तो 10,900 तक हमें निफ्टी इंडेक्स देखने को मिल सकता है। तो ये पैटर्न्स बन रहे हैं, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन पास्ट में जो ऑब्जर्वेशन किया गया है उस हिसाब से अगर ऐसा होता है 11,200 को ब्रेक करता है तो निफ्टी 10,900 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो और एक यहाँ पर पैटर्न बना था सेम ऐसे ही, तो उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लोअर हाइज का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, लोअर हाइज M फॉर्मेशन बना, और ऊपर हम देख सकते हैं प्राइस एक्शन में ये उसके बाद एक गिरावट आई और फिर 100 EMA का सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ। तो इतने अप ट्रेंड के बाद एक करेक्शन आना भी लाजमी होता है, लेकिन जो न्यूज आ रही है वर्ल्ड बिगेस्ट बैंक के बारे में, तो यहाँ से अगर और भी कमजोरी गहराती है तो हमें ये नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल तक निफ्टी इंडेक्स आते हुए दिखाई दे सकता है। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार डेली चार्ट को भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में कल निफ्टी इंडेक्स ऑलमोस्ट ये जो लेवल है 50 EMA का 11,200 के पास आ रहा है, तो ये भी एक मेजर सपोर्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लास्ट टाइम ये स्विंग बना के ये बाउंस बैक हुआ है, स्विंग बना के ये बाउंस बैक हुआ है। तो यहाँ पर ये फिर से हो सकता है ये सपोर्ट टेस्ट करे। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर नहीं बन सकता क्योंकि लेफ्ट और राइट शोल्डर का अगर हाइट देखे तो अनइक्वल है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो चल जाता है, लेकिन काफ़ी इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नहीं बन सकता। तो ये जो 50 EMA है अराउंड 11,200 के पास है तो मेजर सपोर्ट है यहाँ पर। यहाँ से अगर बाउंस बैक होके फिर से 20 EMA के ऊपर अगर सस्टेन करे तो ही यहाँ से अपसाइड मूव हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये था डेली वीकली और मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे।
निफ्टी इंडेक्स ये जबरदस्त फॉल देखने को मिला था, तो कल का ये जो लो बन रहा है यहाँ पर, इसी के पास इसने कुछ दिन पहले सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था, तो इस सपोर्ट को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, यानी 11,216 के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,185, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,159, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ये ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स आज बढ़ता है, बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करता है, तो ये जो कैंडल है इसका अगर हाई का लेवल देखे तो यहाँ पर भी कुछ दिनों पहले इसने सपोर्ट टेस्ट किया था, ये देखिए यहाँ पर पूरा दिन ये इसने सपोर्ट टेस्ट किया था, तो ये सपोर्ट का लेवल अभी हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी काम करे, तो इस लेवल के ऊपर यानी 11,291 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,315, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का लेवल जो कि 11,334 के पास है, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।